एक बार ये डील साइन हो जाए उसके बाद इस अनुज कपाड़िया से सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन रखना, ना कोई घर आना जाना, ना दोस्ती यारी, बस काम से काम। तुम्हारा मुंह देखो ऑरेंज हो गया। हाँ? तुम्हारा भी, ये देखो। क्या देख रहे हो? पता है नंदू, जब मैं तुमसे 2 दिन तक दूर रहा तब मुझे रियलाइज हुआ। क्या रियलाइज हुआ? कि मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया। भले ही साथ में फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, लेकिन वो समवन स्पेशल की जरूरत आपको होती ही है, जो सिर्फ और सिर्फ आपका हो। जैसे भाभी के पास भाई है, बा के पास कूल डूड है, मेरे पास तुम हो, पर मम्मी, मम्मी के पास तो कोई नहीं है यार। इनफैक्ट कभी कोई था ही नहीं जो उन्हें समझे, उनकी केयर करे, जो उन्हें प्यार और इज्जत दे जो वो डिजर्व करती है। मम्मी ने सबको प्यार दिया है लेकिन उन्हें प्यार कभी मिला ही नहीं। शी वॉज ऑलवेज अलोन। मिस्टर शाह होकर भी उनके साथ नहीं थे, और अब तो काश मम्मी की जिंदगी में ऐसा कोई होता जो मम्मी की सारी प्रॉब्लम समझता, उनका हाथ थाम कर कहता कि मैं हूं ना। हमारी सोसाइटी समझती कि 40 के होने के बाद आपके जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आपकी उम्र सिर्फ वजन करने वाली हो जाती है, आपकी जिंदगी में रोमांस की कोई जगह ही नहीं होती है। पर ऐसा क्यों? मम्मी के सामने उनकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, वो कब तक अकेली रहेंगी यार? काश उनकी जिंदगी में भी कोई होता। हे कान्हा जी, आज तक मम्मी हम सबके लिए आपसे कुछ ना कुछ मांगती आई है, आज मैं आपसे मांग रहा हूं, प्लीज थोड़ा देखिए ना। थक गए तो सो जाइए। चश्मा तो साफ कर लिया कीजिए। ये भी सही है, इतने सालों बाद मिली हो, सही से देखोगी नहीं तो कैसे चलेगा? वही तो। हलवा खाएंगे? प्लीज। सुनो, खिलाना अपने हाथों से पड़ेगा। अरे मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, लैपटॉप खराब हो जाएगा। तो हाथों से खाने के लिए किसने कहा है? चम्मच से खाना है। वो तो है, लेकिन जो स्वाद तुम्हारे हाथों में है वो कहीं और का। जन्मदिन के साथ साथ हरकतें भी काना चीज ऐसी। जीके, जीके, काका, क्या हुआ? काका, काका, अरे बोलना क्या हुआ? आज, आज मेरे सपने में वो आई जिसे नहीं आना चाहिए था। कौन? उम्मीद, उम्मीद। काका, नहीं, मैंने पहले भी सपने में अनुपमा को बहुत बार देखा है, लेकिन वो कॉलेज जाती हुई दिखी मुझे, पढ़ाई करते हुए दिखी, डांस करते हुए दिखी, देविका के साथ हंसते हुए दिखी, लेकिन आज, आज 26 सालों के बाद वो मेरे सपने में मेरी जिंदगी में थी, मेरी जिंदगी में। नहीं, 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 ये सपना भी गलत है और ये सपना देखना भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मुझे ये सपना देखने का कोई हक नहीं है काका। It's going to be unfair to अनुपमा। वो अपनी जिंदगी में खुश है, उसके पास एक परिवार है, बच्चे हैं, उसके पेरेंट्स हैं, उसकी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। तो जब जगह मेरी है ही नहीं तो उसके बारे में मैं सपना कैसे देख सकता हूं? क्योंकि प्यार छुप जाता है,
मगर उम्मीद छुपाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं हमेशा अनुपमा का दोस्त बनकर रहूंगा। फिर ये सपना मेरे जहन में कहां से आया? हाओ, अगर तू उसे अपनी दिल की बात बताता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? नो 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 जी के नो। जब वक्त था तो वो जा चुकी थी, और जब वो है तो वक्त जा चुका है। वक्त कहीं नहीं गया, बल्कि किस्मत उसे कान पकड़कर वही जगह वापस लाई है जहां वो 26 साल पहले था। नहीं जी के, प्लीज मत समझाइए मुझे ये सब। मेरी जिंदगी में फ्रेंड जोन होना भी नहीं लिखा है। ले देखे, मेरी जिंदगी में एक तरफा प्यार है, कम से कम उसे तो बिना कॉम्प्लिकेशन के रहने दीजिए प्लीज। अरे उम्मीद आई है, कोई शेर तो नहीं आया कि तू इतना डर रहा है? तेरी उम्मीद से प्रॉब्लम क्या है? उम्मीद आएगी तो थोड़ा दर्द कम हो जाएगा बेटा। दर्द सुलाए रुला रुला, उम्मीद कराए रत जगा। उम्मीद पड़ी हट जाई है, सिर्फ दर्द है दिल का सगा। नहीं जी के, ये झूठी उम्मीद से दिल का सच्चा दर्द कहीं बेहतर है। उम्मीद झूठी है पर किस्मत नहीं, इसलिए दिल का फैसला किस्मत को लेने दे। तू मत ले, उम्मीद से मत लड़ यार, हार जाएगा। मैं अपने दिल को समझा लूंगा जी के, मैं कर लूंगा। दिल को लॉजिक समझ नहीं आता है, पता है क्यों? क्योंकि दिल के पास दिमाग नहीं होता। पर मेरे पास तो है जी के। प्लीज, जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दीजिए प्लीज। मुझे उम्मीद मत दीजिए। यहाँ डाला? हाँ बात, इसमें भी डाल। ऐसे तो तेरे बापू जी को ही बोलने वाली थी, पर वो पंकज भाई के पास गए। बहू बेटे के पास जा रहे ना दुबई, उन्हें मिलने जा रहे। अच्छा ने बा, अभी मिल लिए, वरना फिर 5-7 महीने तक कहाँ मिल पाते। अरे थोड़ा और ज्यादा डालना। डाल रही हूँ बा। ये तो चूचू नहीं कम होगी है? इसे डालने से चूचू बंद हो जाती है। एक काम करो ना, 2 बूंद अपने मुंह में भी डाल दो भाई। लो काम करो, ये मुझे दे दो, मेरे पलंग में भी आवाज आ रही है ना। हाँ मामा जी। देखो अब ठीक है, सब ठीक है बा? अब तक तो सब ठीक है, भगवान करे आगे भी सब ठीक ही हो। सब ठीक ही रहेगा बा, आप चिंता मत कीजिए। लीला, अनुपमा, देखो तो कौन आया है। अरे आइए आइए। जय श्री कृष्ण काका। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पंकज भाई से मिलके आ रहा था, सोचा तुम्हारे लिए थोड़ी जलेबियां लेके आऊं। वहां ये दोनों रबड़ी और जलेबी खा रहे थे, तो उनको भी लेके आया। अनुज तो आ ही नहीं रहा था, मैं डांट के ले आया। जो राह कहीं पे है ही नहीं, उस राह से रोज गुजरता है। दिल उम्मीद से डरता है, न जाने फिर उम्मीद क्यों करता है।